आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनुभव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो घटना भले ही 20 साल पुरानी हो, मगर वो घटना मुझे अच्छे से याद है और शायद मैं अपने जीते जी कभी भी उस घटना को भूल नहीं सकता। उस समय मैं अपने गांव से काफी दूर शहर में काम किया करता था, लेकिन उस समय मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहा करता था। शहर में नौकरी करने के कारण 6 महीने या साल भर बाद ही मैं अपने गांव जा पाता था। दरअसल उस वक्त हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण आए दिन हमारे गांव में जंगली जानवर घुस जाते थे। गांव में बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव सुनसान हो जाता था। रात को हमारे गांव के लोग घरों में मोमबत्ती या लालटेन जलाया करते थे और बाहर निकलने पर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस समय हमारे गांव की आबादी काफी कम थी, जिस कारण सभी लोग मेल मिलाव से रहा करते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि छुट्टी ना मिलने के कारण मैं 1 साल से गांव नहीं गया था, तो मेरा बहुत गांव जाने का मन कर रहा था। जिस पर मैंने अपने बॉस से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे 10 दिनों की छुट्टी दे दी। छुट्टी मिलने से मैं काफी खुश था कि अब मैं फाइनली गांव जा पाऊंगा, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस से जब मैं घर आया तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, क्यों ना मैं आज ही शाम 6 बजे वाली आखिरी ट्रेन से गांव चला जाऊं, और मुझे यही ठीक लगा। जिसके बाद मैं फटाफट से तैयार होकर ठीक 5:30 बजे नजदीकी स्टेशन गया और गांव की टिकट कटवा कर प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं गांव जाने की खुशी में आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंच गया था, जिस कारण मुझे आधा घंटा यहीं पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, आधा घंटा इंतजार करने के बाद ठीक 6:00 बजे मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। तो ट्रेन के लगते ही मैं ट्रेन पर चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। यहां से मेरा गांव करीब 5 घंटे का सफर था, तो मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ट्रेन में बैठने के 15 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और ट्रेन हम दोनों ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ट्रेन आखिरी होने के बावजूद भी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी, मगर मेरे गांव के स्टेशन पर आने से पहले मेरी बोगी के सारे मुसाफिर उतर चुके थे और ठीक 11:00 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। तो स्टेशन पर उतरते ही आसपास का माहौल देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने दिनों में भी गांव बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, और तो और उस ट्रेन से भी इस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि मैं गांव आने की खुशी के कारण कुछ खाकर भी नहीं आया था, जिस वजह से मेरे पेट के चूहे काफी तेज कुदक रहे थे। लेकिन इस स्टेशन का माहौल देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे खाने को कुछ मिल भी पाएगा, लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि भला वो आदमी इस सुनसान स्टेशन पर इतनी रात गए क्या कर रहा है। इस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है इसे कहीं जाना होगा, इसलिए ये यहां पर है। साथ ही साथ मुझे एक और बात
हैरान करने वाली लगी कि प्लेटफॉर्म पर बेंच होने के बावजूद भी वो आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। खैर, वो आदमी स्टेशन से बाहर निकलने वाले रास्ते पर बैठा हुआ था। तो मैं चलकर उस तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि वो आदमी अपने सामने एक टोकरी रखा हुआ है। तो उस टोकरी को देखकर मैं समझ गया कि लगता है ये आदमी कुछ बेचने वाला है। साथ ही साथ मैंने अपने मन ही मन में कहा, शायद ये आदमी कुछ खाने की चीज बेचता हो तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो सच में उस आदमी ने उस टोकरी में एक कपड़े से कुछ ढक रखा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब ये क्या है, कुछ खाने को बेच रहे हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उससे कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा उस आदमी से पूछा, क्या भाई साहब कुछ खाने को बेच रहे हैं क्या? इस पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी से कोई जवाब नहीं मिलने पर मैं वहां से आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी एकदम से उस आदमी ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटा दिया। तो उसके कपड़ा हटाते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस टोकरी की ओर घुमाई तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मेरे हाथ पैर थरथराने लगे, क्योंकि मैंने जब उस टोकरी की तरफ देखा तो उस टोकरी में उसी इंसान का कटा हुआ शरीर था। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मुझे समझ आ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस भूत के कटे हुए हाथ ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पटक कर घसीटते हुए पटरी की तरफ ले जाने लगा। उस भूत के कटे हुए हाथ ने मेरा पैर इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने पैर उसके हाथों से नहीं छुड़ा पा रहा था। मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह अपने पैरों को उस भूत के हाथ से छुड़ाया और दौड़कर भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज्यादा वीरान था। दूर दूर तक मुझे मेरी मदद के लिए कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मैं वहां ना रुककर घर की तरफ दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़कर आगे बढ़ते ही मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ घबराया देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ आपको, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? मगर वो आदमी पूरी तरह से चादर ढक रखा था, जिस कारण मुझे बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। खैर, मैंने उस आदमी को अपनी पूरी आपबीती बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से कुछ दिनों पहले जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के कारण वो आदमी ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए और उसकी वहीं पर मौत हो गई। पूरी बात बताने के बाद वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तो मेरे हंसने का कारण पूछने पर उस आदमी ने अपने ऊपर से वो चादर हटा दिया। चादर हटते ही उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर फिर से जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि चादर हटते ही मैंने जब उस आदमी को देखा तो उसका भी शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था और वो अभी और कोई नहीं बल्कि वही भूत था। इससे पहले कि मैं दोबारा वहां से भाग पाऊं कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान लिया था और मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर एक अघोड़ी बाबा आ पहुंचे, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।